हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन डीएनएफ। हमें क्वेश्चन गिवन है, पुट दी फॉलोइंग इनटू डीएनएफ। पी एंड पी एरो क्यू दिया हुआ है। डीएनएफ में क्या होता है, ब्रैकेट्स के अंदर एंड साइन आना चाहिए और ब्रैकेट के बाहर और आना चाहिए। तो यहाँ पर तो इम्प्लीकेशन साइन दिया हुआ है और बाहर एंड है, जबकि हमें यहाँ पर और साइन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इम्प्लीकेशन साइन है तो सबसे पहले इम्प्लीकेशन साइन को रिमूव करना होता है। तो एलिमिनेट इम्प्लीकेशन साइन बाय यूजिंग पी एरो क्यू इज लॉजिकली इक्वलेंट टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब हम करेंगे अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हमें यहाँ पर और साइन चाहिए और ब्रैकेट के अंदर एंड चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू ये पॉसिबल है, क्योंकि पी एंड नेगेशन ऑफ पी एक ब्रैकेट में आ जाएगा और बीच में और आएगा, फिर पी एंड क्यू ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ब्रैकेट्स के अंदर एंड साइन है और ब्रैकेट के बाहर और है। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड डीएनएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ये, और इसको हमें डीएनएफ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इम्प्लीकेशन साइन को एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट इम्प्लीकेशन साइन बाय पी एरो क्यू इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रखा है हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये हमारा आउटर नेगेशन है, ये वाला। इस एक्सप्रेशन को हम मान रहे हैं पी और इस एक्सप्रेशन को, रिमेनिंग को, हम मान रहे हैं क्यू। तो नेगेशन ऑफ पी मतलब इस टर्म का हमें नेगेशन लिखना पड़ेगा, और नेगेशन ऑफ क्यू, ये पूरा क्यू है हमारा, तो और इस पूरे एक्सप्रेशन का हमने ये नेगेशन लिखा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो स्टेप थ्री करके लिख लेना, अगेन अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू हो जाना चाहिए। तो पी हमारा यहाँ पर क्या है, नेगेशन ऑफ पी, तो पी का नेगेशन डबल नेगेशन हो जाएगा, और की जगह एंड आ नेगेशन क्यू हो जाएगा। तो हमने एज इट इज़ रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, डबल नेगेशन अप्लाई करेंगे। आप लोग यहाँ स्टेप्स में लिख लेना, मैंने डायरेक्ट लिखा है अप्लाई डबल नेगेशन। तो डबल नेगेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेशन एंड नेगेशन ऑफ पी इक्वल्स टू पी होता है। तो ये पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, और ये पूरा एक्सप्रेशन हमने एज इट इज़ रखा है। अब अगेन क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन पे हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो अगेन अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ लिख लेना आप लोग। यहाँ पर आर जो है वो पी है और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्यू है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नेगेशन ऑफ पी दैट मींस नेगेशन ऑफ आर एंड हो जाएगा और में कन्वर्ट, और इस पूरे एक्सप्रेशन का नेगेशन, यानी नेगेशन ऑफ क्यू करना था तो ये पूरे एक्सप्रेशन का नेगेशन हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा पी एंड क्यू, जैसे यहाँ पर मिला था ना पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, तो वैसे ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू दो बार आ रहा है, तो अप्लाई आइडम्पोटेंट लॉ। वो क्या कहता है कि पी और पी जो होता है वो इक्वलेंट होता है पी के ही, तो पी के लॉजिकली इक्वलेंट होता है ये। तो इसको हम एक बार लिख लेंगे पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, और नेगेशन ऑफ आर को एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रैकेट्स के अंदर एंड आ रहा है और ब्रैकेट के बाहर और आ रहा है, तो ये जो है रिक्वायर्ड डीएनएफ है।